पहले हम माँ बहन की गाली देंगे, कुछ पूछेंगे तो जूता चप्पल मारेंगे, लात घूसा मारेंगे, उसके बाद दवा देंगे। ये तो बोर्ड लगानी है, चौड़ा गेट देख करके आम जनता गरीब जनता और उसके बच्चे और उसकी पत्नी के सामने जिस तरह से बुरी तरह से मारने का काम किया है, उसके बच्चे के मानसिक उत्पीड़न किया गया, उसकी पत्नी का उत्पीड़न किया गया, आज वो निरीह महिला यहाँ से लगाए सारे अधिकारियों के पास भटक रही है, जो है डरवाने का प्रयास करते हैं, डरवाने का मार दिए लोग, आप डरवाने की बात कर रहे हैं भैया, मार दिए सब, जूता मारे, चप्पल मारे, सीसीटीवी आया, हाई फोटो देखने वाली, किसी कंप्लेन आई है उसका कंप्लेन पर जांच करा लें, डीएम साहब, एसडीएम साहब जांच करा लें, कप्तान साहब जांच करा लें, लेकिन मुकदमा अवश्य कायम हो, तभी न्याय है। लड़के बीते दिनों 3 तारीख का जो मामला डॉक्टर और सिपाही के बीच में हुआ था, अब वो मामला जो है राजनीतिक रूप ले लिया है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे और सड़कों पे उतरने के बाद जो है डीएम कार्यालय पे पहुंचते हैं और डीएम कार्यालय पे पहुंचने के बाद जो है डीएम को ज्ञापन देते हुए यह कहते हैं कि अगर फीस को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनते हैं। मनोरंजन भाई, आज आप डीएम कार्यालय पहुंचे हैं पूरे जत्थे को लेकर और पूरा बार से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, क्या मामला है? हमारे साथी हैं श्री राजू यादव जी, ये लोग, हम लोग खुद इस जनपद के रहने वाले हैं, ठीक है, सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं, हर चौथे आदमी हर पांचवे आदमी से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। डॉक्टर अनु सरकारी साहब के यहाँ कोई इस प्रकार का बोर्ड नहीं लगा है कि हमारे यहाँ आप दवा के लिए आएंगे तो पहले हम माँ बहन की गाली देंगे, कुछ पूछेंगे तो जूता चप्पल मारेंगे, लात घूसा मारेंगे, उसके बाद दवा देंगे। ये तो बोर्ड लगा नहीं है, चौड़ा गेट देख करके आम जनता गरीब जनता चली जाती है और जाने के बाद पता क्या लगता है साहब कि अगर कोई आदमी पूछ ले कि साहब अल्ट्रासाउंड का रेट आपके यहाँ महंगा और जगह तो सस्ता है 50 रुपए, कोई आदमी कहते आज हम भर्ती नहीं कर सकते, हमें 3 दिन का दवा दे दिया, 3 दिन बाद आएंगे तो भर्ती करेंगे, इस बात के लिए उसका पर्चा फेंक देते हैं, वो बेइज्जत करते हैं। अच्छा, पहले से आदमी जानता है उनके यहाँ बोर्ड लगा होता कि हम बेइज्जत करेंगे बाद दवा देंगे, कोई आदमी नहीं जाता। सच्चाई ये है कि वो डॉक्टर का पेशा सेवा क्षेत्र का पेशा है, लेकिन वो अपने को कितना बड़ा माफिया, कितना बड़ा गुंडा, कितने बड़े सरकार के कारिंदा समझ रहे हैं, कितनी आम जनता गरीब जनता जो पैदल आती है, टेम्पो से आती है अथवा मोटरसाइकिल से आती है, उसको कोई आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी वहां सवाल पूछने के नाते बेइज्जत होता है। और हम लोगों का क्षेत्र चुकी वो पड़ता है, पूरा खोराबार है, जो हम लोग के तरफ ही पड़ते हैं, जो निकास होता है शहर में आते हैं तो पेडलेगंज के पास उनका हॉस्पिटल पड़ जाता है, आम जनता प्रतिदिन बेइज्जत होती है। हम लोगों की प्रशासन से रिक्वेस्ट है, आज 11 किलोमीटर की पदयात्रा करके राजू यादव, कपिल मुनि और जियाऊ पासवान के नेतृत्व में हम लोग वहां से आ रहे हैं, शैलेंद्र पांडे, सोनू पांडे, करुणा निधान प्रजापति, तमाम लोगों के साथ में, सिर्फ इस बात के लिए कि डॉक्टर साहब के भी खिलाफ FIR किया जाए, अगर उन्होंने किसी को बेइज्जत किया है, किया तो हजारों लोग है, हजारों लोगों की तो कंप्लेन आई नहीं, लेकिन जिसकी कंप्लेन आई है उसका कंप्लेन पर जांच करा लें, डीएम साहब, एसडीएम साहब जांच करा लें, कप्तान साहब जांच करा लें, लेकिन मुकदमा अवश्य कायम हो, तभी न्याय है। लड़के आंख पर पट्टी बांध करके चले हैं आज 11-12 किलोमीटर, ताकि कम से कम अब तो प्रशासन न्यायपूर्ण कार्रवाई करे आम जनता के साथ में, तभी संतोष होगा किसी को, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा, अभी इसके बाद भी और आंदोलन चलेगा। चाहेंगे कि डॉक्टर बाउंसर अपने यहाँ रखते हैं, बाउंसर के, बाउंसर से जो है डरवाने का प्रयास करते हैं, डरवाने का मार दिए लोग, आप डरवाने की बात कर रहे हैं भैया, मार दिए सब, जूता मारे, चप्पल मारे, सीसीटीवी आया, भाई फोटो देख ले, भाई घाव है, भाई देख ले, भाई घाव है, क्या बात है? वो बाउंसर्स की बात इन्होंने की है, वो बकायदा पैसे पे उन लोगों ने, अभी भी आप चले जाएं, इस वक्त भी आप चले जाएं, वहां पे आप मीडिया के लोग हैं, वहां बाउंसर्स ऑलरेडी पैसे पे हायर्ड रहते हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके गुंडों ने किस तरीके से एक दलित सिपाही की पिटाई की है, और वो भी अराजकता सीएम के शहर में, और सोचिए उस व्यक्ति को तो जेल भेज ही दिया, और उसके बच्चे और उसकी पत्नी के सामने जिस तरह से बुरी तरह से मारने का काम किया है, उसके बच्चे के मानसिक उत्पीड़न किया गया, उसकी पत्नी का उत्पीड़न किया गया, आज वो निरीह महिला यहां से लगाए सारे अधिकारियों के पास भटक रही है। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है डॉक्टर एसोसिएशन से भी कि जो इस तरह के डॉक्टर है, जो इस तरह की माफियागिरी में लिप्त हैं, उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए, अन्यथा एडवोकेट, वकील, छात्र, नौजवान सभी इस आंदोलन में शामिल हो गए और डॉक्टर अनु सरकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग अनवरत जारी रहेगी। उनके लाइसेंस निरस्त किया जाए, निरस्त किया जाए, बिल्कुल, मेडिकल लाइसेंस। मनोरंजन भाई, आज आप डीएम कार्यालय पहुंचे हैं पूरे जत्थे को लेकर और पूरा बार से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, क्या मामला है? हमारे साथी हैं श्री राजू यादव जी, ये लोग
हम लोग खुद इस जनपद के रहने वाले हैं, ठीक है, सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं, हर चौथे आदमी हर पांचवे आदमी से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। डॉक्टर अनु सरकारी साहब के यहाँ कोई इस प्रकार का बोर्ड नहीं लगा है कि हमारे यहाँ दवा के लिए आएंगे तो पहले हम माँ बहन की गाली देंगे, कुछ पूछेंगे तो जूता चप्पल मारेंगे, लात घूसा मारेंगे, उसके बाद दवा देंगे, ये तो बोर्ड लगा नहीं है। चौड़ा गेट देख करके आम जनता गरीब जनता चली जाती है और जाने के बाद पता क्या लगता है साहब कि अगर कोई आदमी पूछ ले कि साहब अल्ट्रासाउंड का रेट आपके यहाँ महंगा और जगह तो सस्ता है 50 रुपए, कोई आदमी कह दे आज हम भर्ती नहीं कर सकते, हमें 3 दिन का दवा दे दिया, 3 दिन बाद आएंगे तो भर्ती करा देंगे, इस बात के लिए उसका पर्चा फेंक देते हैं, वो बेइज्जत करते हैं। अच्छा पहले से आदमी जानता है उनके यहाँ बोर्ड लगा होता कि हम बेइज्जत करने के बाद दवा देंगे, कोई आदमी नहीं जाता। सच्चाई ये है कि वो डॉक्टर का पेशा सेवा क्षेत्र का पेशा है, लेकिन वो अपने को कितना बड़ा माफिया, कितना बड़ा गुंडा, कितने बड़े सरकार के कारिंदा समझ रहे हैं, कितनी आम जनता गरीब जनता जो पैदल आती है, टेम्पो से आती है अथवा मोटरसाइकिल से आती है, उसको कोई आदमी हर दूसरा तीसरा आदमी वहाँ सवाल पूछने के नाते बेइज्जत होता है। और हम लोगों का क्षेत्र चूंकि वो पड़ता है पूरा खोराबार है, जो हम लोग के तरफ ही पड़ते हैं, जो निकास होता है शहर में आते हैं तो पेडलेगंज के पास उनका हॉस्पिटल पड़ जाता है, आम जनता प्रतिदिन बेइज्जत होती है। हम लोगों की प्रशासन से रिक्वेस्ट है, आज 11 किलोमीटर की पदयात्रा करके राजू यादव, कपिल मुनि और जियाऊ पासवान के नेतृत्व में हम लोग वहां से आ रहे हैं, शैलेंद्र पांडे, सोनू पांडे, करुणा निधान प्रजापति, तमाम लोगों के साथ में, सिर्फ इस बात के लिए कि डॉक्टर साहब के भी खिलाफ FIR किया जाए, अगर उन्होंने किसी को बेइज्जत किया है, किया तो हजारों लोगों को है, हजारों लोगों की तो कंप्लेन आई नहीं, लेकिन जिसकी कंप्लेन आई है उसका कंप्लेन पर जांच करा लें, डीएम साहब, एसडीएम साहब जांच करा लें, कप्तान साहब जांच करा लें, लेकिन मुकदमा अवश्य कायम हो, तभी न्याय है। लड़के आंख पर पट्टी बांध करके चले हैं आज 11-12 किलोमीटर, ताकि कम से कम अब तो प्रशासन न्यायपूर्ण कार्रवाई करे आम जनता के साथ में, तभी संतोष हो रहा किसी को, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा, अभी इसके बाद भी और आंदोलन चलेगा। चाहेंगे कि डॉक्टर बाउंसर अपने यहाँ रखते हैं, बाउंसर के बाउंसर से जो है डरवाने का प्रयास करते हैं, डरवाने का मार दिए लोग, आप डरवाने की बात कर रहे हैं भैया, मार दिए सब, जूता मारे, चप्पल मारे, सीसीटीवी आया, भाई फोटो देख ले, भाई घाव है, क्या बात है, वो बाउंसर्स की बात इन्होंने की है, वो बकायदा पैसे पे उन लोगों ने, अभी भी आप चले जाएं, इस वक्त भी आप चले जाएं, वहाँ पे आप मीडिया के लोग हैं, वहाँ बाउंसर्स ऑलरेडी पैसे पे हायर्ड रहते हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके गुंडों ने किस तरीके से एक दलित सिपाही की पिटाई की है, और वो भी अराजकता सीएम के शहर में, और सोचिए उस व्यक्ति को तो जेल भेज ही दिया, और उसके बच्चे और उसकी पत्नी के सामने जिस तरह से बुरी तरह से मारने का काम किया है, उसके बच्चे के मानसिक उत्पीड़न किया गया, उसकी पत्नी का उत्पीड़न किया गया, आज वो निरीह महिला यहाँ से लगाए सारे अधिकारियों के पास भटक रही है। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है डॉक्टर एसोसिएशन से भी कि जो इस तरह के डॉक्टर है, जो इस तरह की माफियागिरी में लिप्त है, उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए, अन्यथा एडवोकेट, वकील, छात्र, नौजवान सभी इस आंदोलन में शामिल होंगे, और डॉक्टर अनु सरकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग अनवरत जारी रहेगी। उनके लाइसेंस निरस्त किया जाए, निरस्त किया जाए, बिल्कुल, मेडिकल लाइसेंस। तो आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे उतरकर प्रदर्शन किया, और प्रशासन को भी उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो वो फिर से एक बार बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।